गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपका भाई पहुँच गया है गाँव, घर घर पे पहुँच गया। मैं हूँ इस वक्त अपने बेडरूम में और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, देखिए मेरा टीवी। अभी ये टेम्पररी है और टेम्पररी टीवी, अभी इसको मैंने फिक्स नहीं किया हूँ। जस्ट मैं अपने रूम में, इधर नहीं रखना, बाहर लगाना है बरामदे में, तो वहाँ पे टीवी रखेंगे। बाद में फ्यूचर में सीसीटीवी जो भी लगाना रहेगा लगाएंगे, आप लोग की दुआ रहेगी तो। और एक चीज़, ठंडी तो है, बहुत अच्छा खासा ठंडा पड़ रहा है। और गाइज एक क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, कस्टम माफ़ी, कस्टम का पैसा बच गया। बहुत टेंशन था कितना कस्टम लगेगा कितना नहीं, 43। और मैंने जस्ट वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछा भी कि कस्टम क्लियरेंस किधर कराना है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आप ले लो, उधर चेकिंग कराओ और लेके चले जाओ। मेरे को कोई नहीं बोला कि पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, किधर लगेगा मालूम नहीं, कुछ भी नहीं बोला कोई भी। बच गया, चलो अच्छा है, मज़ा आ गया। तो गाइज बस यही छोटा सा एक वीडियो आप लोग को बताना था, शेयर करना था। और एक आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा अपने ट्रेवल की जर्नी के बारे में, क्या ज़रूरी है यूपी के लिए खास। थोड़ा सा मैं अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो लगा है ना टोटल गाइज, मैं बता नहीं सकता हूँ यार। लगभग मुझे लग गए 11 घंटा आने में, घर पहुँचने में, दोहा टू गोरखपुर पहुँचने में मुझे 11 घंटा लग गया। तो यार 11 घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 12 घंटे के करीब लग गया था। हाँ 11-12 घंटे के करीब में लग गया था। तो यही है, और बाकी अब थोड़ा बहुत सामान है। एक देखिए ब्लू, ये माइक खरीदा था, माइक का अभी मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। और आप लोग वॉइस क्वालिटी बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। टीवी हो गया, अपना ही चल रहा है, बेटा दिन ना अपना ही चल रहा है। और मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हूँ, अच्छा चल रहा है यार, मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा था कि नहीं चल पाएगा, ठीक है, अपना ही रेसिपी चल रहा है। चलिए गॉइस, तो अभी आप लोग ये वीडियो देखिए छोटा सा, और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा है। और सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए देख रहे तो। और आप लोग को अपना ट्रैवल का जो वीडियो बनाया वो भी अपलोड करूंगा मैं, अभी एडिटिंग करने जा रहा हूँ।